नमस्कार स्वागत है आपका केपी अपडेट में मैं अश्विनी आपके साथ देश में आम चुनाव होने के लिए मात्र कुछ ही माह रह गए हैं और देश में राष्ट्रीय और स्थानीय पार्टियां अपनी गतिविधियां तेज कर रही हैं ऐसे में टिकट के दावेदारों में भी हलचल मची हुई है तो चलिए बीदर के लोकसभा क्षेत्र के इतिहास गणित के साथ साथ जनता की मांग को भी देखते और समझते हैं कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत हासिल कर राज्य में कांग्रेस सरकार बनाकर एक मॉडल भी बनी हुई है इसे कांग्रेस में एक नया जोश देखने में आ रहा है अब कांग्रेस की नज़र 2024 के लोकसभा चुनाव पर है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्य में 20 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए मात्र कुछ ही महीने शेष रह गए हैं ऐसे में सभी पार्टियां सतर्क होकर चुनावी रणनीति तैयार कर रही हैं। इसके तहत राज्य में कांग्रेस की जीत का अठासी प्रतिशत हिस्सा बनने वाला मुस्लिम समुदाय दो के लोकसभा चुनाव में बीदर से कांग्रेस अल्पसंख्यक मुस्लिम को मौका देने की मांग कर रहा है तो चलिए पहले बीदर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के इतिहास और गणित पर एक नजर डालते हैं। बीदर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत में कर्नाटक राज्य के 28 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है यह निर्वाचन क्षेत्र उन्नीस में अस्तित्व में आया यह 2008 तक अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था इसमें पूरा बीदर जिला और कलबुर्गी जिले का कुछ हिस्सा शामिल है बीदर लोकसभा क्षेत्र में आठ विधानसभा क्षेत्र है जिसमें कलबुर्गी के दो विधानसभा क्षेत्र आणंद और चिंटोली और बीदर जिले के छह विधानसभा क्षेत्र औरत बस्तर कल्याण हुमनाबाद भालकी बीदर उत्तर और दक्षिण शामिल है अब देखते हैं कि वर्तमान में किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी का विधायक है तो पहले देखते हैं कलबुर्गी के दो विधानसभा क्षेत्र चिंचौली में भाजपा के अविनाश जाधव है और अलंद में कांग्रेस के बी आर पाटिल विधायक हैं अब देखते हैं बीदर विधानसभा क्षेत्र और भाजपा के प्रभु चौहान भालकी में कांग्रेस के ईश्वर खंड्रे बसु कल्याण में भाजपा के शर्मु सलगार हुमनाबाद में भाजपा के डॉक्टर सिद्धू पाटिल बीदर दक्षिण में भाजपा के डॉक्टर शैलेन्द्र बलदाड़े और बीदर उत्तर में कांग्रेस के रहीम खान हैं। बीदर लोकसभा क्षेत्र में 2019 में कुल सत्रह लाख पिछहत्तर हजार पिचानवे मतदाता रहे जिसमें से सबसे बड़ा तबका लिंगायत और दूसरे नंबर पर मुस्लिम समुदाय माना जाता है जो लगभग 35 प्रतिशत है अब देखते हैं सबसे पहले चुनाव से लेकर अब तक कौन सी पार्टी और उम्मीदवार का कब्जा बीदर लोकसभा क्षेत्र पर रहा पहला लोकसभा चुनाव उन्नीस में हुआ था और पहला लोकसभा चुनाव उन्नीस में बीदर से कांग्रेस उम्मीदवार शौकतुल्ला अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया और वह जीत हासिल कर बीदर लोकसभा क्षेत्र से पहले सांसद बने दूसरा लोकसभा चुनाव उन्नीस और उन्नीस में तीसरा लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस ने रामचंद्रा वीरप्पा को मौका दिया और लगातार दो बार जीत दर्ज किया चौथी और पांचवी लोकसभा उन्नीस और 1977 में शंकर देव कांग्रेस से लगातार दो बार सांसद बने पांचवी छठी और सातवीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नरसिंह राव सूर्यवंशी लगातार तीन बार सांसद बने आठवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं बार लोकसभा चुनाव भाजपा उम्मीदवार द्वारा जीते गए और लगातार पांच बार रामचंद्र वीरप्पा बीदर से सांसद रहे 2004 में रामचंद्रा वीरप्पा की मृत्यु हो गई और लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने स्वर्गीय रामचंद्रा वीरप्पा के पुत्र को मौका दिया लेकिन 2004 में नरसिंह राव सूर्यवंशी कांग्रेस उपचुनाव जीत गए और 2008 में बीदर लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित आरक्षण मुक्त हुआ और इसके साथ ही 2009 में पन्द्रह लोकसभा चुनाव में बीदर से कांग्रेस उम्मीदवार कर्नाटका राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री धर्म सिंह चुनाव में उतरे और गुरुपादप्पा नागमार पल्ली को हराकर जीत हासिल की सोलहवीं लोकसभा 2014 के दौरान धर्म सिंह भगवंत हुबा से हार गए और भाजपा के भगवंत हुबा सांसद चुने गए और फिर सत्रहवीं लोकसभा दो में कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर भाजपा ने अपनी सीट बरकरार रखी भगवंत हुबा दो बार बीदर से जीते और अब केंद्रीय मंत्री भी हैं कर्नाटक राज्य में 2023 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और जिसको सभी धर्म और वर्गों का समर्थन मिला इसके अलावा अठासी प्रतिशत अल्पसंख्यक वोट भी कांग्रेस को मिले इस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को बीदर से मुस्लिम उम्मीदवार आगामी 2024 हजार के लोकसभा आम चुनाव में कांग्रेस को बीदर से मुस्लिम उम्मीदवार को मौका देने की मांग शुरू हो गयी अब सवाल यह उठता है कि मुस्लिम में किसको टिकट दिया जाए तो ऐसे में सबसे पहला नाम डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान का आता है क्योंकि 2019 के चुनाव में वह पहले ऐसे मुस्लिम नेता रहे जिसने दावा किया कि बीदर लोकसभा क्षेत्र से मुस्लिम को टिकट दिया जाए उन्होंने 2019 में कांग्रेस का टिकट हासिल करने के लिए सभी प्रयास किए थे लेकिन दुर्भाग्य से वह सफल नहीं हो पाए लेकिन पार्टी के नेताओं ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आने वाले समय में उन्हें जरूर मौका दिया जाएगा और अब यह हाँ एक अच्छा मौका है जब कांग्रेस एक मुस्लिम को टिकट दे सकती है क्षेत्र के लोगों का मानना है कि डॉक्टर मोहम्मद अयास खान के प्रसिद्ध और लोकप्रिय नेता हैं और उन्हें सबसे पहले 2019 में कांग्रेस से टिकट की मांग रखी थी मुस्लिम को टिकट देने की मांग में हाल ही में बीदर दौरे पर पहुंचे बीदर लोकसभा क्षेत्र के ऑब्जर्वर संतोष लाड को मजलिस उलमा हुफास ऑल इंडिया मरकाजी काउंसिल इमाम ए मसाजिद खानका नक्शबंदिया और शारिया बोर्ड ने एक ज्ञापन सौंप कर बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार अल्पसंख्यक को बनाने का आग्रह करते हुए जोर दिया KPCC के के पूर्व कार्यदर्शी डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को उम्मीदवार बनाया जाए इसी तरह अन्य संगठनों ने भी KPCC के के पूर्व कार्यदर्शी डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को टिकट देने पर जोर दिया बीदा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के कुल पाँच दावेदार हैं जिसमें के के पूर्व कार्यदर्शी डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान डॉक्टर मकसूद चंदा अब्दुल मन्ना सेठ और गुलबर्गा ऐसी डॉक्टर गुलाम रब्बानी और मोहम्मद मोहिनुद्दीन शामिल हैं। लोगों का कहना है कि डॉक्टर अयाज खान को टिकट दिया जाता है तो उन्हें न सिर्फ मुस्लिम बल्कि सभी समुदाय का साथ हासिल होगा अगर इतिहास को देखा जाए तो उन्नीस में बीदर से कांग्रेस उम्मीदवार शौकतुल्लाह अंसारी जो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी थे वह उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के बावजूद बीदर से चुनाव लड़े और विजय हुए अब तो हालात अल्पसंख्यक के पक्ष में हैं। तो इस बार कांग्रेस को एक अल्पसंख्यक मुस्लिम का ही चयन करना चाहिए तो यह था बीदर लोकसभा क्षेत्र का इतिहास और गणित और जनता की मांग इस मुद्दे से जुड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत जल्द मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ जुड़े रहे केपी न्यूज ट्वेंटी फोर सेवन ऐसी खास जानकारियों और समाचारों के लिए धन्यवाद